नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव mpcg.com। मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। डिंडौरी के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में जनजाति सम्मेलन में पहुंचे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस पर आदिवासी समाज के साथ धोखा करने के आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी जी ने वो भाषण में किया था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, मेरी सरकार दलितों और पिछड़ों की सरकार है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया था वो कोरे शब्द नहीं थे, मन में से निकली हुई आदिवासी जनजाति भाइयों बहनों के लिए मन में से निकली हुई वेदना थी। 70 साल आजादी के हो गए, 55 साल तक कांग्रेस ने शासन किया और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, कांग्रेस ने 55 साल तक शासन किया, इसमें मेरे आदिवासी समाज का बहुत बड़ा। सतना में सोमवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सभा में बुलाई गई महिलाओं ने भाजपा की पोल खोल कर रख दी। बड़ी संख्या में आई मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं गांव से आई महिलाओं ने खुलासा किया कि उन्हें 300 रुपए देने का वादा किया गया था। सतना की सभा में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महिलाओं के हित में उनकी सरकार के कामों का बड़ा बखान किया। उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाओं से करोड़ों महिलाओं के लाभान्वित होने की बात कही, लेकिन भाजपा की असलियत सभा में आई महिलाओं ने ही खोल दी। आप भी सुनिए क्या कहना है इन महिलाओं का। कोई बात मतलब हम लोग को भी कुछ हुआ मिल सके, हम बेघर मकान है, हम अभी हमेशा जाते हैं दलित जाति। अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, हमारे ना गैस सिलेंडर है, ना घर है, मकान किराए से लेते, ना रोजगार है। समूह सहायता में भी जो है, भूमि क्षेत्र में भी जो है, जी जी तो अभी हम जाते हैं भोपाल के लिए। भाजपा सरकार से खुश हैं आप लोग? हमें सरकार ने कुछ दिया ही नहीं तो हम कब खुश रहेंगे, इसलिए तो हम आए हैं। गरीब यहाँ पर जिनको मिलता वो ताली बजा, हम तो भाई ताली नहीं बजाएंगे। बोले ना हमारे में खाना बना बुलाते ना, हम बोलते नहीं जाते हैं तो अंगूठा नहीं आता तो धुतकार दिया जाता है कि जाओ, बस रोक दी जाती है। बेटा बच्चों बेरोजगार हमारे भाग रहे, हम अगर सोचते लोन दे दो तो मेरी लोन भी पास नहीं होती। पैसा मिलेगा? मिला नहीं। और किसी को मिला है? हमको तो नहीं पता, दिए होंगे। आपको क्या बोला गया था? बोले पैसा मिलेगा। कितना कितना? 300 बोल रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद को कांग्रेस के लिए अनलकी मानते हैं। ऐसा खुद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उनके भाषण से कांग्रेस के वोट कटते हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन के बाद कांग्रेस पिछले 3 चुनावों से बहुमत पाने और सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है। कई कांग्रेसी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को दोषी ठहराते हैं और खुद दिग्विजय सिंह भी इस बात को स्वीकार करते हैं। भोपाल में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी के आवास पर कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस तरह कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि उनके भाषण देने से कांग्रेस के वोट कटते हैं। आप भी सुनिए दिग्विजय सिंह का दर्द। टिकट मिले चाहे दुश्मन को मिले, जिताओ। और मेरा काम केवल एक, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं, मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस के वोट कटते, इसलिए जाता नहीं। वहीं इस बारे में टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि दिग्विजय सिंह का ये दर्द हमने नहीं दिया बल्कि कांग्रेसियों ने दिया है। दर्द हमने नहीं दिया, ये दर्द उनको कांग्रेस ने ही दिया है। मित्रों, उनके पोस्टर नहीं लगा रहे, उनके फोटो नहीं छाप रहे, उनको तवज्जो नहीं दे रहे। एक नेता की ऐसी दुर्दशा कांग्रेस करेगी
मैंने कल्पना भी नहीं की थी कम से कम कांग्रेस के लोग अपने नेता की इज्जत करें। दिग्विजय सिंह के इस बयान को राजनीतिक गलियारे में अलग अलग संदर्भ में देखा जा रहा है। इसे पार्टी में उनकी अनदेखी होने के दर्द के अलावा इस बार भी कांग्रेस के सत्ता में नहीं आने की भविष्यवाणी के तौर पर भी देखा जा रहा है। मिशन एमपी के तहत ग्वालियर चंबल की यात्रा पर आए राहुल गांधी ने किला गुरुद्वारे में पहुंचकर माथा टेका। गौरतलब है कि सोमवार को राहुल गांधी ने मंदिर में पूजा और मस्जिद में सजदा किया था। चुनाव में जीत के लिए नेताओं को दर दर माथा टेकना पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल प्रवास पर आए राहुल गांधी ने सोमवार को दतिया के पीताम्बरा पीठ में विशेष पूजा के बाद ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर में पूजा की थी। शाम को मस्जिद में सजदा किया और मंगलवार को किला स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। राहुल के साथ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ और चुनाव अभियान समिति प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री राम सेवक पैकरा के शुगर का इलाज करने वाले कम्बल बाबा के एक वायरल हुए कथित ऑडियो ने सियासी खलबली मचा दी है। दरअसल इस ऑडियो में कम्बल बाबा कांग्रेस के लुंड्रा विधायक चिंतामणि महाराज को बीजेपी में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं। इस कथित ऑडियो में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष और कंबल वाले बाबा के नाम से मशहूर गणेश भार्गव ने कांग्रेस छोड़कर रामदयाल उइके के बीजेपी प्रवेश करने का भी राज खोला है। चिंतामणि महाराज से बातचीत में कंबल बाबा यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि रामदयाल उइके को 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद दिए जाने के आश्वासन के साथ बीजेपी प्रवेश कराया गया है। कमल बाबा को गृह मंत्री राम सेवक पैकरा का काफी करीबी माना जाता है। हालांकि कमल बाबा के तमाम समीकरणों को सुनने के बावजूद चिंतामणि महाराज यह कहते सुने जा रहे हैं कि वे कांग्रेस के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। इस तरह के अनुसार आपके हिसाब से अनुसार मैंने बोला इलेक्शन लड़ने के लिए पूरा खर्चा लाल बत्ती यानी के मंत्री बनाने की तरह मैंने पूछा और वो बोला बाबा जी पहला मैं माफी मांगूंगा मेरे से एक गलती हुई और वो कभी मैं माफी मांग लूंगा और वो एक गुरु है माफी दे देंगे मुझे। अब आपकी लेकिन मेरे को तो अगर मैं विश्वासघात किया तो हमारा जो व्यवहार है चरित्र है हमारे परिवार का जो एक आदर्श है उससे हट के काम होगा। पहला विश्वासघात होगा तो पहला मेरा विश्वासघात होगा। नहीं नहीं विश्वासघात मैं करूंगा ना। अगर मैं आज छोड़ के जा रहा हूँ तो विश्वासघात तो हम मैं करूंगा ना पार्टी के साथ। राहुल गांधी के स्वागत में ग्वालियर में एनएसयूआई ने एक पोस्टर लगाया था जो चर्चा का विषय बना हुआ है। चौराहे पर लगे पोस्टर में राहुल गांधी और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया को कृष्ण और अर्जुन के रूप में दिखाया गया है। ग्वालियर में लगे इस पोस्टर में जहां राहुल गांधी भगवान कृष्ण की तरह रथ हांक रहे हैं वहीं सिंधिया क्षत्रिय वेश में तीर कमान लिए उसी अंदाज में दिखाई दे रहे हैं जैसे महाभारत के चित्रों में अर्जुन युद्ध के लिए कमान से तीर निकालकर शत्रुओं पर हमला करता है। ये पोस्टर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया है जिसके बाद शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस पोस्टर के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि एमपी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और सिंधिया की जोड़ी विरोधी पार्टियों पर सटीक वार कर सत्ता का ताज अपने नाम कर लेगी। हैरानी की बात तो यह है कि इसमें कमलनाथ का कहीं जिक्र नहीं किया गया। पोस्टर अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सहित 20 लोगों के नाम हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों में शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे स्टार प्रचारक के रूप में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवसेना के युवा विंग के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते भी प्रचार के लिए आगे आएंगे। पार्टी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इसके लिए बकायदा 34 प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है। बीजेपी का दामन थामने वाले रामदयाल उइके ने कोरबा में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायक रामदयाल उइके ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत सहित अन्य नेताओं पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जब कोई आदिवासी नेता आगे बढ़ता है तो वह कांग्रेस की दमन नीति का शिकार हो जाता है। साथ ही भूपेश बघेल पर नाराजगी जताते हुए कहा
कि वह वरिष्ठ नेता होकर सीडी बनाने का काम कर रहे हैं और महिलाओं को अपमानित भी कर रहे हैं, जिसमें पार्टी के अन्य सदस्य उनका साथ देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ रामदयाल उईके बीजेपी के विकास कार्यों की सराहना करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर और कांग्रेस की प्रताड़ना से तंग आकर मैंने भाजपा ज्वाइन की है। उन्होंने सीडी बनाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आप देखें कितने सीडी बन रहे हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष जैसे व्यक्ति का काम सीडी बनाना नहीं है, और वैसे सीडी बनाने वाले को रखे क्या है? जनता के सामने क्या अमित शाह को आपने क्या प्रॉमिस किया और अमित शाह ने आपको क्या प्रॉमिस किया है इस पार्टी में आने के बाद? मैंने जो प्रॉमिस किया है कि छत्तीसगढ़ में चौथी बार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बना के देना है। 29 विधानसभा आदिवासी की है, 29 की 29 सीट जिता के हम रमन सिंह झोली में डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब चुनाव आयोग ने नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस राजनीतिक दलों की बैठक में दी। कोरबा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक लेते हुए चुनाव आयोग के द्वारा किए गए नियमों में संशोधन की जानकारी दी। इस बैठक में बताया गया कि अब प्रत्याशियों को अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ एक तय फॉर्मेट में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और सरकारी देनदारियों को मीडिया में प्रकाशित करना होगा। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कम से कम 3 बार यह विज्ञापन देने होंगे और उसकी कॉपी चुनाव अधिकारी को फॉर्म 26 के तहत लगाकर देनी होगी। यह विज्ञापन मतदान तिथि के 2 दिन पहले तक दिए जाने होंगे। इस बार विकलांगों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए पोलिंग बूथ तक जाने के लिए सेक्टर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो उन्हें बिना लाइन में खड़ा किए घर से लाकर मतदान दिलाने में मदद करेंगे। वहीं कोरबा जिले में एक महिला पिंक बूथ की भी व्यवस्था की गई है, जहां समस्त बूथ अधिकारी महिला ही होंगी। इस बूथ पर केवल महिलाएं ही वोटिंग कर पाएंगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश आए कि नया फॉर्म 26 जिसके अंदर जो है एफिडेविट जमा करना होता है प्रत्याशियों को, तो उसका प्रारूप निर्वाचन आयोग ने चेंज किया है। और पहले जैसे गाइडलाइंस के अनुसार 2 एफिडेविट देना होता था, एक जो है सरकारी प्रॉपर्टी या हाउसेज वगैरह या उनका कोई ड्यूज है, तो उसको मर्ज कर दिया है। तो अब फॉर्म 26 में मतलब जो है नया प्रारूप है। राजनांदगांव के मानपुर मोहल्ला में मंगलवार को सर्चिंग पर निकले ITBP के जवानों को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने बारूदी विस्फोट कर दिया है। इस विस्फोट में 3 जवान बुरी तरह घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले माओवादियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की अपनी कोशिशों का इजहार किया है। मंगलवार को मानपुर मोहल्ला में घात लगाकर किए गए विस्फोट में 3 जवान घायल हो गए। राजनांदगांव पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ITBP के जवान मंगलवार सुबह एरिया सर्च करने निकले थे। इसी बीच माओवाद प्रभावित पाना बरस थाना क्षेत्र के राजा डेरा के पास नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। घायल जवानों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। माओवादियों ने 1 सप्ताह पहले इसी क्षेत्र में चुनाव बहिष्कार का फरमान सुनाते हुए कई गांवों में बैनर पोस्टर टांग दिए थे। ग्रामीणों की सभा लेकर उन्हें चुनाव में भाग नहीं लेने की हिदायत भी दी गई थी। चुनाव में भाग लेने वाले ग्रामीणों के लिए सख्त सजा का भी ऐलान किया था। तो अपन ध्यान में रखते हुए लगातार जो है पुलिस पोस्ट के द्वारा जो है अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई चल रही है, बुशिंग की कार्रवाई चल रही है। इसी तारतम्य में आज भी जो है पाना बरस है, कोहका है, कोस्टोला है, बहुत सारे जगहों से जो है पोस्ट निकला हुआ था सुबह 4 बजे। अभी लगभग जो है आधा घंटा पहले ही जो है पाना बरस से जो पार्टी निकली हुई है, अब रामगढ़ और कनेली के बीच में एक प्रेशर माइंस विस्फोट हुआ है, जिसमें अपने ITBP जवान बटालियन 3 जवान। अशोकनगर से कदबाया जा रही एक यात्री बस आज सुबह करीब 7 बजे ईशागढ़ रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बस में लगभग 60 यात्री जिनमें बच्चे भी शामिल थे। भोपाल के लिली टावर पर लगे दुर्गा पंडाल में अचानक आग लग गई। जिस समय यह हादसा हुआ वहां आरती चल रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। भोपाल के लिली टावर पर कालका दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल में उस समय हड़कंप मच गया जब आरती के वक्त अचानक पंडाल में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आरती PCC कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल कर रहे थे, अचानक उनके हाथ से पूजा की थाली गिर गई और मां दुर्गा की चुनरी ने आग पकड़ ली। देखते ही आग पूरे पंडाल में फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पानी डालकर आग को बुझाया गया, लेकिन पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, वहीं फिलहाल पंडाल बंद करवा दिया गया है।
प्रदेश में नवरात्र के मौके पर हर जगह गरबा आयोजन किए जा रहे हैं। राजनांदगांव में भी लायंस क्लब ने आयोजन रखा, लेकिन इस आयोजन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पार्किंग में खड़ी 6 से 8 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। राजनांदगांव में चल रहे लायंस क्लब के गरबा आयोजन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लग गई। लोग गरबा छोड़कर पार्किंग में पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने तक आग ने 6 से 8 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक इस आगजनी में लाखों का नुकसान हुआ है और इसके पीछे शरारती तत्वों का हाथ माना जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।